संक्रमित में आने वाली बॉलीवुड की सिंगर और बेबी डॉल कनिका कपूर 38 की उम्र में 3 बच्चों की सिंगल मदर है, जो लंदन में अपने बच्चों से मिलने हर महीने जाती है। लेकिन इस बार लंदन जाना और वहां से लौटना उनके लिए इतना भारी पड़ा कि ना सिर्फ कनिका कपूर हॉस्पिटल में अपनी बीमारी से इस वक्त जिंदगी के लिए जंग लड़ रही है, बल्कि अस्पताल में पहुंच चुकी कनिका कपूर अपने इमेज की सुधार को लेकर भी लगातार लोगों के बीच बनी हुई है। कनिका पर तमाम आरोप जड़े गए। लखनऊ पहुंची कनिका कपूर को योगी सरकार की तरफ से काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। अपनी गलती की वजह से ये कहा जा रहा था कि लापरवाही कनिका ने की। 100 से ज्यादा लोगों से उन्होंने मुलाकात की कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बावजूद, लेकिन 9 मार्च को देश लौटी कोरोना वायरस पीड़ित कनिका कपूर को यहां लौटने के बाद होली का त्यौहार मनाना था। होली का त्यौहार वो मनाती रही और उस वक्त देश का माहौल ऐसा नहीं था कि सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटीन पीरियड की तरफ फोकस्ड देश हो, लेकिन इसी की वजह से इस वक्त जो सिचुएशन था उसमें उनका वक्त खराब था, ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि उन्हें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है कि ना सिर्फ वो बीमारी से लड़ रही हैं बल्कि सवालों का जवाब देने के लिए भी मजबूर है। ऐसे में कोरोना वायरस से पीड़ित कनिका के सपोर्ट में कैसे सिंगर आए हैं जिनका मानना है कि लोगों ने सच जाने बिना उनको लेकर जिस तरह की बात की वो सरासर गलत है। नाम है उनका सिंगर इंदिर बख्शी, जिन्होंने कहा जब उन्होंने देखा कि कनिका का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया और उस पर उन्होंने पोस्ट लिखा, लोगों ने उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें की, लोगों ने नाराजगी जाहिर की और बद्दुआएं भी दी, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोगों से वो अपील करना चाहते थे। लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एयरपोर्ट से वो भाग गई, कोई कैसे भाग सकता है। कनिका ने उन्हें मैसेज करके बताया था कि अस्पताल वो खुद गई थी, उन्हें तो अस्पताल में चेकअप भी नहीं किया गया था, डॉक्टरों ने उन्हें वापस भेज दिया था। ऐसे में लोग नकारात्मक टिप्पणियां करके उन्हें साहस देने के बजाय उन्हें और भी ज्यादा हतोत्साहित कर रहे हैं और इससे उन पर पूरा बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में लोगों के बीच वो अपील करते हुए नजर आए कि गड़बड़ी अगर एयरपोर्ट से हुई तो कनिका कपूर की इसमें कोई गलती नहीं थी। टेस्ट पॉजिटिव अब आया है, 4 दिनों में उनकी सेहत बिगड़ी, पहले वो बिल्कुल सही थी। उन्होंने कहा कि मुझसे शादी करोगी से जैसे ही बाहर आए वो, उन्होंने घोषणा की थी कि कनिका और मलकीत के साथ एक नया ट्रैक लेकर आएंगे और कनिका के बारे में उन्होंने ये सुना तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति ग्रुप।